ऐसे सामने से कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और इस साल की स्प्रिंग सीडिंग थोड़ी ऐसी लग रही है, यहाँ पे थोड़े से और बीज आ गए हैं। मैं लगाऊंगा शायद लेटस लगाऊंगा, ग्रेट लेक्स। और ये पहले वाला ग्रीन हाउस था जो खड़ा था यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से काटूंगा, 5 फुट बाय 5 फुट हो जाएगा शायद ये। और इसको मैं लैंडस्केपिंग करता हूँ, इसकी प्लान करता हूँ इसको सारा। मेरे हथियार भी आ गए और इनको मैं पोस्ट करके बनाऊंगा, मतलब सीधा करके डालूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कैसे एक कोने में करके। चार मेन वर्टिकल मेंबर तो कर दिए मैंने खड़े ना, पर इनके ऊपर वाला नहीं लगाया, उसको भी लगाता हूँ मैं। और फिर जो इसको स्ट्रेंथ देने के लिए बीच में थोड़े बहुत और लगाने पड़ने, शायद इस तरफ दो बीच में और लगाऊंगा ना, यहाँ पे भी दो लगाऊंगा, तो शायद फिर जाके पूरी स्ट्रेंथ आएगी इन सब की। चार दिन बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो लास्ट क्लिप थी, लास्ट क्लिप के बाद जितनी भी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी, मैंने गलती से टाइम लैप्स मोड पे चले गई थी मेरी क्लिप्स, और मैंने चेक नहीं किया रिकॉर्ड करते हुए। मैंने ग्रीन हाउस पूरा कंप्लीट कर दिया, मतलब फ्रेमवर्क करने के बाद थोड़ा बहुत और फ्रेमवर्क किया था मैंने, उसके बाद थोड़ा सा पॉलिथीन वगैरह लगाया था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। और मेरा ग्रीन हाउस जो है, मैं दिखाता हूँ आपको, कंप्लीट है बिल्कुल, ऐसे सामने से कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि पूरा वीडियो नहीं कंप्लीट हो पाया, आपको दिखा नहीं पाया, फिर भी अभी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले फटाफट ग्रीन हाउस के अंदर चलते हैं। जो मेरा डोर मैकेनिज्म है कुछ ऐसा है, ऐसे खोल के यहाँ पे अंदर जाके इसको क्लोज कर दिया, बिल्कुल सील हो गया है। यहाँ पे ये सिंगल पॉलीथीन है यहाँ पे, और हर जगह डबल लगाया हुआ है मैंने, डबल लेयर। और उसके बाद मैंने जो फ्रेमवर्क आपको दिखाया था लास्ट टाइम, उसके बाद मैंने एक एक सिंगल सिंगल ब्रेसेस बीच में डाल दी इनके, यहाँ पे हर जगह डाले मैंने ऐसे, उससे थोड़ी इसको स्ट्रेंथ मिल गई है। मतलब लास्ट में हफ्ता भर पहले शायद बहुत तेज़ हवाएं हुई थी, फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ा, तो मतलब मेरा डिज़ाइन बिल्कुल ठीक था। और पिछले कल रात से आज शायद सुबह तक बारिश हुई है बहुत तेज़, और पॉलीथीन मतलब टॉप वाला जो है ना, ये मेरा प्रॉपर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरे पास टाइम नहीं था इतना इसको कंप्लीट करने का, तो मैंने ऐसे ही इसको स्टार्ट कर दिया था ग्रीन हाउस को।
और यहाँ पर टेप से लगाया हुआ था मैंने इसको, यहाँ पे जोड़ा हुआ था और सारा पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पे आकर, और जो टेप थी वो छूट गई नीचे को, मतलब ढीली पड़ गई पानी की वजह से ना, और सारा पानी इकट्ठे यहाँ पे गिर गया नीचे आकर, यहाँ पे अभी मैंने सामान रखा है उसकी वजह से जो मेरी ट्रेस थी ये सारी गिल्ली हो गई, और मतलब इस पे पानी भर गया, गिल्ली तो क्या होनी थी, और पानी भर के जो जितने भी बीज थे मिट्टी सब कुछ निकल गई। थोड़ा दुख हुआ उसकी वजह से। इसको भी अब सीडिंग करते हैं, आपके सामने लास्ट वीडियो में मैंने दिखाई नहीं थी ना आपको सीडिंग कैसे करता हूँ मैं, इसको करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने डबल लेयर क्यों किया। जैसे ये फ्रेमवर्क दिख रहा है आपको, एक लेयर पॉलीथीन की बाहर की साइड को है और एक दूसरी तरफ को है, मतलब दूसरी साइड को है इस फ्रेमवर्क के। ये इसलिए किया है क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा है, अंदर बहुत गर्म है। अगर मेरे पास इस टाइम थर्मोमीटर होता है यहाँ पे तो मैं दिखा सकता आपको कितना फर्क है अंदर और बाहर में। और उसकी वजह से इस जो लेयर है इसके बीच में एक एयर की लेयर बन जाती है जो कि बैरियर का काम करती है बाहर और अंदर, मतलब एक तरह का इनविजिबल ब्लैंकेट है हमारे ग्रीन हाउस के लिए। टॉप लेयर में नहीं है, मैंने ऐसा किया, अगर किया होता तो शायद और गर्म होना था अंदर, और ये डोर भी अगर मैंने डबल लेयर बनाया होता तो भी होना था। पर अब ये काम नहीं करूँगा शायद मैं इन गर्मियों में, मैं ये सब काम अब सर्दियों में करूँगा। और यहाँ पर थोड़े से सीडलिंग तैयार है मेरे, ये ब्रोकली का एक छोटा सा पौधा रह गया था, इसको मैं लगाऊंगा जमीन में, शायद इसी वीडियो में लगाता हूँ मैं। और ये थोड़े बहुत क्या बोलते हैं इनको, धनिया है, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं सब। और इस ट्रे में मेरे शायद फ्लावर्स थे, और इसमें मेरे जो वेजिटेबल्स थी गोभी वगैरह लगाई थी मैंने, और इस टब में मैं मिट्टी रखता हूँ अपनी, और इनको हमको फिर से फिल करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को बीज लाने पड़ेंगे, मिट्टी वगैरह करता हूँ मैं। और इतना ही था ग्रीन हाउस के बारे में, क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी क्लिप खराब हो गई तो पूरा प्रोसेस बता सकता था, फिर भी मैं इसको डालूंगा वीडियो को, ऐसा कुछ नहीं है, जो पिछली वीडियोस थी वो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। इसकी वार्मथ आप फील कर सकते हैं क्योंकि जो कंडेंसेशन हुई ना ऊपर, कंडेंसेशन जो हुई है देख सकते हैं आप, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी है अंदर, मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया टेम्परेचर, ऐसा लग रहा है कि धूप निकली हुई है बाहर, मैं धूप सेक रहा हूँ सर्दियों में, ऐसा फील हो रहा है मेरे को इस टाइम। हालांकि धूप नहीं है, धूप चली गई है, शायद 6 बज रहे हैं शाम के इस टाइम। मैं अपनी मिट्टी भी ले आया हूँ और यहाँ पे है, और बीज भी ले आया हूँ मैं फटाफट से, इन ट्रे में जो भी बीज बर्बाद हो गए थे उनको भरते हैं। और रेड कैबेज के बीज है मेरे हाथ में, इनको मैं ये जो 2 होल्स है यहाँ पे इसमें के लिए डालूंगा, और फटाफट डालते हैं इनको बिना हाथ से गिराए, और इसको यहाँ पे डालते हैं। और ये कुछ सेबॉय कैबेज के बीज है, कैबेज के बीज अगर आपने देखे होंगे कभी तो ऐसे दिखते हैं, पता होगा आपको, पर ये सेबॉय कैबेज है, आप इसको गूगल पे देख सकते हैं किस तरह के होते हैं। इनको भी मैं फटाफट से इन छेदों में डालता हूँ, और ये कुछ चाइनीज़ कैबेज के बीज है जो कि इन यहाँ पे 5 ही है, इस पर भी डाल दूँ एक्स्ट्रा, क्या पता बह तो नहीं गया था पानी के साथ। इनमें मैं चाइनीज़ कैबेज के बीज लगाता हूँ, मैंने सारे बीज कहाँ पे कौन से लगे हैं वो सब मैंने इस डायरी में लिखे हुए थे, और उससे काफ़ी फ़ायदा रहा, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा होगा, पानी चला जाएगा उस पर। और एक एक सेल में मैं एक ही बीज डाल रहा हूँ, और यहाँ पे सारे बीज लग गए, और इसके बाद इससे पहले मैं इन बीजों को जो है इस पैकेट में डाल देता हूँ ताकि गिर ना जाए कहीं। इनके जर्मिनेशन रेट्स का मेरे को पता नहीं, जर्मिनेशन होगी तो मैं उसमें दिखाऊंगा, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा मैं इन सबको। और
मिट्टी डालने के लिए मैं ऐसा हैंडफुल निकालता हूँ एक, और बिल्कुल इसको ऐसे हिलाते हुए डालूंगा ऊपर से, ताकि बड़े चंक्स ना चले जाए इसके अंदर। और इसको ऐसे कर दूंगा अच्छे से फ्लैट, ज़रूरत होगी तो थोड़ी ऐसी और डाल दूंगा। बिल्कुल अच्छे से प्लान कर दूंगा, और इनकी वाटरिंग में लास्ट में करूंगा। उससे पहले मैं इन सब जितने भी फ्लावर्स यहाँ पे बह गए थे सारे, इन सब को लगा देता हूँ, और इसको मैं ऑफ कैमरा करता हूँ, फटाफट लगाता हूँ। उसके बाद एक दो चीज़ें और लगाएंगे हम, जिनको कि इन कप्स में लगाऊंगा मैं। ये कप्स रीयूज़ किए हुए थे मैंने, क्योंकि पिछले साल शायद कुछ एक बीज जो थे उनकी जर्मिनेशन नहीं हुई अच्छे से, उनसे बचे हुए हैं कप्स, इनको रीयूज़ करूंगा। शायद लेटस लगाऊंगा मैं इनमें, लेटस और बॉक चॉय लगाऊंगा शायद, पता नहीं, देखते हैं जो भी लगेगा। जितने भी सीड्स गिर गए थे बाहर को पानी की वजह से, सब डाल दिए मैंने। 14 कलर के फ्लावर्स है इसमें, और एक पैच कॉलीफ्लावर का इसमें, और क्या बोलते हैं, रेड कैबेज है, सेवोय कैबेज है, और चाइनीज़ कैबेज है। और अब मेरे पास यहाँ पे थोड़े से और बीज आ गए हैं, मैं लगाऊंगा शायद लेटस लगाऊंगा, ग्रेट लेक्स। और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से वो है बॉक चॉय पाक चॉय जो भी है माइक्रोग्रीन्स के बीज है। माइक्रोग्रीन्स के बीज लगा सकते हैं आप ऐसे, नॉर्मल भी हो जाते हैं बड़े, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ी जैसी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है, तो एक पैच में आप या तो 3 सीड्स डालिए या तो 2 डालिए, तब जर्मिनेशन की मतलब श्योर हो जाते हैं कि होएगी, एक एक सीड से तो होगी जर्मिनेशन। और ये मेरी छोटी बहन है, और चल 2 निकाल, इनको 2 नहीं 4 कप्स निकाल, और उनको फटाफट भरते हैं हम लोग, तक फुल करें। ये भर दिए मैंने, और लेटस के बीज को निकालते हैं। लेटस के बीज कुछ ऐसे दिखते हैं, बहुत छोटे बीज है, इनको मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, पकड़ वाला। और लेटस अगर आप लगा रहे हैं तो एक जगह 2 सीड्स को डालना, और इनको गलती से पिंच मत कर लेना, बिल्कुल इनकी अपनी शेप में रहने देना इनको, और एक जगह आप 2 सीड्स लगा देना, और ट्राई करना कि इनके ऊपर मिट्टी ना डालना। लेटस जो है इसको लाइट सी होती है, सीड को ही लाइट सी होती है, मतलब सीड के ऊपर मिट्टी नहीं आनी चाहिए, सीड बिल्कुल ऐसे हवा में रहना चाहिए। अगर इसके ऊपर मिट्टी आ गई तो सक्सेसफुल नहीं होता इसका बीज। हल्की सी मिट्टी डाल सकते हैं आप, ताकि जब पानी दें तो सीड्स कहीं भागे ना। इतना फुल करेंगे आप इन कप्स को तो शायद भाग सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा मैंने दबा दिया इसको ऊपर से, ताकि जब अब इसकी वाटरिंग करेंगे ना तो सीड्स ना भागे। और वाटरिंग मैं दूसरे तरीके से करूँगा, वो दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छा तरीका है वाटरिंग का। अरे पाक चॉय के बीज है, इनको भी दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह के हैं। ये कुछ ऐसे हैं, इनको भी 2-2 डालें। अरे बिल्कुल गोभी की तरह बीज है, इनको आप मिट्टी के नीचे डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको 2 बीज को थोड़ा थोड़ा दूर लगाना, और मैं 2 ही डाल रहा हूँ, शायद हो जाएगी इनकी जर्मिनेशन, क्योंकि अब आज फरवरी नहीं, आज मार्च है, मार्च की शायद 1 या 2 तारीख है आज, पता नहीं मुझे। और इनके ऊपर ऐसे डाल के, मिट्टी डाल के इनको ऐसे बरी कर देना, शायद मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी डाल दी, निकाल देता हूँ। देखो बीज ना गिरा होगा। और इस साल की स्प्रिंग सीडिंग थोड़ी ऐसी लग रही है, अभी 2 दिन की बारिश हुई थी पीछे, तो उसके बाद मैंने वो नहीं किया, अभी भी 1 दिन की बारिश शायद बाकी है। मैंने क्या बोलते हैं उनको, वो नहीं लगाई घेरी, स्क्वैशेज नहीं लगाई, जुकीनी वगैरह नहीं लगाई, उनके सीड्स मेरे पास है नहीं अवेलेबल, शायद मैं लगा देता अगर होती। पर इस बारिश का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ओवर हो जाए, तो शायद अब शायद ठंडा नहीं पड़ेगा अगर नेक्स्ट बारिश आएगी तो, और तब तक इंतज़ार करूंगा मैं, उसके बाद सीडिंग करूंगा इन्हीं कप्स में करूंगा मैं उनकी सीडिंग, जो कि मेरे पास रीयूज़ करने को बचे थे यहाँ पे।
इनमें इसकी सीडिंग करूंगा। और उससे पहले मैं आपको अपना वाटरिंग का सिस्टम दिखाता हूँ, किस तरह का मैं वाटरिंग यूज करता हूँ। और उसके लिए मैं इसको यूज करता हूँ, एक प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको, वाटरिंग वाले को नहीं, स्प्रेइंग के लिए यूज किया जाता है इसको, इसको यूज करता हूँ मैं। और बिल्कुल जैसे सीड है मेरा, बिल्कुल जेंटल इसके ऊपर मैं स्प्रे मारता हूँ ऐसे। इससे क्या होता है, जो बीज होगा वो भागेगा नहीं। इस वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो पता नहीं किस टॉपिक पे होगी, शायद एक डाई ग्रीन हाउस के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल गई होगी किस तरह बना सकते हैं। बस आपके माइंड में इसका सेटअप होना चाहिए, मुझे क्या क्या सामान चाहिए, किस तरह का बनाना है, पूरा माइंड में या फिर रिटेन में कर सकते हैं आप। जो आर्किटेक्चर होता है वो शुरू करता है अपने माइंड से, कभी वो काम के मतलब फील्ड में जाके नहीं सोचता कि मैंने यहाँ पे क्या करना हूँ, पहले माइंड में बना लेता है। मैंने शायद एक दो महीने पहले ही माइंड में बना लिया था कि किस तरह का मैंने ग्रीन हाउस बनाना था। तो शायद आपको होप है कि अच्छा लगा होगा ग्रीन हाउस। और अगर कोई क्यूरियस है कि टेम्परेचर का क्या डिफरेंस रहता है डबल लेयर का, तो मेरे पास थर्मोमीटर नहीं है, मैं नहीं तो दिखा देता आपको। अगर कोई थर्मोमीटर भेजना चाहता है मेरे को तो कमेंट्स में बता दे, मैं उसको अपना एड्रेस बता दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।